एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है भाई दूज, सुबह का समय है। हम लोग सो के भी नहीं उठे हैं, उससे पहले ही मोनिका आ गई और फिर हमने झटपट से बच्चों को उठाया, क्योंकि मोनिका आई हुई है अपने मायके से और अभी जा रही है वो अपनी ससुराल। और उससे पहले फिर वो यहाँ पर सब लोगों की राखी बांधने के लिए आई हुई है, मेरे दोनों बच्चे, मेरी दीदी का बेटा, मेरे भाई का बेटा, सब लोगों की राखी बांधने के लिए। उसके बाद वो निकल जाएगी अपनी ससुराल के लिए। तो बस यहाँ पर सब लोगों को मैंने उठाया, यानी इन दोनों को उठाया। और लड्डू की अभी आँखें आ रही हैं, देखो कितनी रेड रेड आँखें हो रही हैं, उसकी स्वेलिंग भी है। मैं ड्रॉप डाल रही हूँ टाइम टू टाइम, और उसका रीज़न ये है, मैं सोच रही हूँ कि बार बार इसकी आँखों में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हम लोग इन्फेक्शन समझ रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो मम्मी वगैरह बता रही थी और भी बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दांत निकलते हैं ना, तो उनको लूज मोशन नहीं होता है, वॉमिटिंग नहीं होती है, उनको ना आँखें आती हैं, मतलब आँखें निकलती हैं, इसलिए इसको बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये मैंने भी नोटिस किया था कि जब इसके पहले दांत निकल रहे थे ना, उस टाइम पर भी इसकी आँखें आई थी, और अभी इसके और भी जो एक्स्ट्रा दांत है ना वो निकल रहे हैं, तब भी इसकी आँखें आ रही हैं। बट फिर भी मैं ड्रॉप टाइम टू टाइम डाल रही हूँ। और यहाँ पर ये दोनों बंधवा रहे हैं राखी, और लड्डू को आप लोग देख सकते हो कितने प्यार से राखी बंधवा रहा है ये, बहुत प्यार से। और मोनिका साड़ी पहन के आई थी, मोनिका को ज़्यादा जानता नहीं है क्योंकि मोनिका से ये ज़्यादा मिला नहीं है। मोहित तो हमारे घर पे आता रहता है, मोनिका का भाई, तो वो उसको जानता है। तो बस ऐसे निहार निहार के देख रहा था मोनिका को, आप लोग देख सकते हो कि साड़ी पहन के कौन आया हुआ है। बार बार मेरी तरफ देख रहा था, मोनिका की तरफ देख रहा था। मोनिका बोल रही थी कि मौसी मेरी तरफ ऐसे देख रहा है कि पता नहीं कौन आ गया है। मैंने बोला अरे यार, सुबह सुबह सज धज के बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के आई है, इसलिए उसको अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मोनिका बांध रही है मोहित के राखी, क्योंकि मोहित की तबीयत ख़राब है, उसको रक्षाबंधन के दिन फीवर आया हुआ है, तो उसके अभी देख सकते हो फेस कितना डाउन हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अभी उसकी रिपोर्ट्स आई हुई हैं, तो उसकी प्लेट्स थोड़ी सी कम हो गई हैं, शायद फीवर की वजह से कम हो गई होंगी। तो उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। और उसके बाद ये मेरी दीदी का बेटा है बीच वाली का, तो उसके भी राखी बांध रही है, सब लोगों का के टीका करेगी। और मोनिका भावना हर साल मेरे बच्चों के वही राखी बांधती हैं, क्योंकि मुझे इन्हीं से उम्मीद है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो राखी बांधते ही नहीं है, ना मेरे ना मेरे बच्चों के, तो फिर अभी क्या कर सकते हैं ना। जिनके घर लड़कियां नहीं होती हैं, जिनके ननद नहीं होती हैं, उनका ऐसा ही होता है। बट कोई नहीं, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। और मुझे भी चाहत थी कि लड़की हो, तो अभी इस टाइम पे मुझे लड़की नहीं है ना, तो ये दोनों लड़कियां मेरा इतना वो करती हैं कि मौसी को ऐसा फील ना हो कि लड़कियाँ नहीं हैं, और बुआ को ऐसा फील ना हो कि उनके लड़की नहीं है। तो प्रॉपर जो भी कोई होता है ना चीज़ें, वो पिछले साल दोनों बच्चों की इन्होंने राखी भेजी थी गुड़गांव में, मैं आई नहीं थी ना इसलिए। तो बस अभी आप लोग देख सकते हो राखी कितनी प्यारी लग रही है। इसके धागा निकल रहे थे ना, तो फिर मैं उनको काट दूंगी धागे भी। और मेरे भाई का बेटा था, उसका भी टीका कर दिया। और देखो इसकी आंखों में कितनी स्वेलिंग है, और अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये है मेरा भैया, और पता है लड्डू भैया के पास ऐसे इतने अच्छे से चला जाता है, बहुत अच्छे से। मेरे भैया के पास छोटे बच्चे कोई भी नहीं जाते हैं, लेकिन लड्डू ऐसे चला जाता है, पता नहीं क्या समझता है, भैया को देखते ही भैया के पास चला जाता है। उसके बाद अभी दोपहर का समय हो रहा है। आज मेरा था कि मैं गाँव जाऊँगी, कल मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे अम्मा बाबा से भी मिलना है, चाची चाचा से भी मिलना है, सब लोगों से मिलके मैं गांव में जाऊंगी। बट लड्डू की आंखें आ रही हैं, तो इन्होंने भी मना कर दिया। और मेरी चाची से बात हुई थी, तो उन्होंने भी बोल दिया बेटा बाद में आ जाना, क्योंकि देखो हवा लग जाएगी बाइक पे बच्चे की, तो फिर आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर ये चाची का मेरा बेटा है, तो वो आया हुआ है राखी बनवाने के लिए यहीं पर। अब मैं कुछ दिन बाद जाऊँगी गाँव अम्मा बाबा से, सब लोगों से मिलने के लिए। कितना उजाला आ रहा है मायके में, जो सुबह होती है ना बहुत लेट होती है मेरी, तो इयर रिंग्स वगैरह मैंने निकाल दिए थे रात में, और आंखें अभी भी नहीं खुल रही मेरी। कपड़े लेने आई हूँ, नहाती हूँ, भाभी भी आएंगी आज शायद, ये भी मुझे लेने आ रहे हैं। चार दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। ये देखो हमारी मम्मी गमला बनाना सीख गई हैं, तो गमले बनाए मेरी मम्मी ने, 1 2 3 4 5 6 7
सात गमले बनाए छत पे। मैं मम्मी कह रही तू ले जाइयो, मैंने इतने बड़े गमले मैं तो ले नहीं जाऊँगी, सीमेंट के मैं तो वहीं से ले लूँगी या फिर प्लास्टिक के ले लूँगी। ऐसे मेरे पास रखे हैं 5-6 जिनमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मेरी मम्मी को पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे ये वाले फूल लगे हैं, ये पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं किस किस चीज़ के हैं। तुलसी मैया हैं ये लगे हैं, और भी दिखाती हूँ। देखो ये लगे हैं समी का, एलोवेरा, कनेर का, ये तुलसी मैया हैं, ये शायद कड़ी पत्ता है, सब लगे हुए हैं। मम्मी को जो मिलता है मम्मी उसमें ही लगा देती हैं। देखो यहाँ तक कि मम्मी ने प्लास्टिक के गिलास को भी नहीं छोड़ा। और जो बोतलें होती हैं ना उनमें भी लगा दिया है मम्मी ने। देखो मैंने बोला मम्मी इसमें कलर कर देती तो और अच्छा लगता, बाजार में सिटियों में क्या होता है ये बोतलों पर कलर करके हैंग कर देती हैं तो अच्छा लुक आता है। मम्मी कह मुझे क्या करना कलर से, मुझे तो पेड़ लगाने से मतलब है। और देखो ये पानी के टैंकर में भी लगा दिया है। भाई मेरी मम्मी किसी चीज़ को नहीं छोड़ती पेड़ लगाने में। लड्डू की राखी दिखाओ, राखी राखी लड्डू की कहाँ है राखी, राखी कहाँ लड्डू की राखी, जी रही लड्डू की राखी, चुंदर चुंदर क्यूट क्यूट राखी लड्डू की। तो नानी के घर आती पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को, इतने प्यार से इतने अच्छे से रखते हैं। फिर भी लड्डू के साथ तो ये हमेशा होता है, कभी भी ये अच्छे से बिल्कुल रहा ही नहीं है नानी के घर। उसके बाद अभी दोपहर का समय हो रहा है, ये मेरी दीदी का बेटा जा रहा है स्कूल। इसको पता नहीं कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, तो ये देखो स्कूल का बेल्ट नहीं लगाया हुआ, चश्मा लगा के जा रहा है। तो बस मैं उसको यही बोल रही थी कि अलाउ है क्या तुम्हारे स्कूल में ये सब पहन के जाना, तो बोल रहा हाँ मौसी सब कुछ अलाउ है। उसके बाद मैं नहाने गई थी और अभी मैं रेडी हो गई थी अचानक से ससुराल जाने के लिए, पर अचानक से ऐसा हुआ कि मेरा मूड ऑफ हो गया, तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और बहुत मूड ख़राब हो गया। हे एवरीवन गुड इवनिंग, आज है डेट मुझे नहीं पता, आज है सैटरडे और ये मुझे लेने के लिए आए हुए हैं। और मेरी दीदी की बेटे की तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन से, तो उसका यहीं ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन आज उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। मोहित की जो मेरे घर पर आता है आपने देखा ही होगा, तो वो ये फिर आए, फिर मुरैना छोड़ने गए, जिया जी भी आ गए, दीदी भी आ गई, उसकी प्लेट्स बहुत डाउन हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। और अब मैं निकलने ही वाली थी ससुराल, फिर अचानक से रिपोर्ट आई उसकी, तो फिर ये गए। और देखो अगर ज़्यादा होती है तो फिर ग्वालियर के लिए लेके जाएंगे। बेटा मैं अब तुरंत वापस आऊँगी, तो अभी हाँ तो अभी हम जा रहे हैं, मैं ससुराल जा रही हूँ, चलिए चलते हैं, कुछ काम है तो थोड़ा घूम के आती हूँ। मैं लड्डू को ही लेके जा रही हूँ, लड्डू को आपको पता है कि आंखें आ रही हैं उसकी, तो मैं उसकी वजह से कहीं जा भी नहीं पा रही। मैं अपने गांव भी नहीं गई, कल मैंने चाची के बेटे को बुलवा लिया था तो यहीं पे मैंने राखी बांध दी थी उसके, तो मैं गांव भी नहीं गई। चलो तो अभी हम पहुँचने वाले हैं ससुराल, लड्डू को मैं लेके जा रही हूँ। उसकी आँखों में थोड़ा फ़र्क है, आप लोग देख सकते हो, प्रॉपर सही नहीं है, मेरा जी में चल रहा है पता नहीं क्यों, अंदर से घबराहट जैसी हो रही है। चलो चलते हैं, थोड़ा काम है मुझे वो करके, आज ही हम लोग ग्वालियर निकल जाते हैं। अगर मोहित की तबीयत ख़राब नहीं होती तो हम ग्वालियर यहाँ गांव में आके वापस जाके निकल जाते, बट टेंशन हो जाता है कुछ होता है तो। चलो चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ ससुराल, और आते ही मैं लग गई थी काम पर, बहुत सारे काम थे मुझे, वो सारे काम मैंने करे और उसमें थोड़ा सा समय लग गया था मतलब। और मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो मायके में मैंने काम नहीं किया, तो यहाँ पे आते ही मैंने लगी ना तो मेरी हालत ख़राब हो गई, मतलब मेरी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है कुछ दिनों से, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मेरी सांसें चलने लग रही हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है, पसीना आ रहा है अचानक से। उसके बाद यहाँ पर ये लड्डू की दृष्टि राखी बांध रही है, ये मेरी ननद की बेटी है, चाचा ससुर है ना उनकी बेटी की बेटी, तो यहाँ पर ये लड्डू के राखी बांध रही हैं और टीका कर रही हैं। और ये लड़की ना दृष्टि सच में इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बोलती भी बहुत अच्छा है और मेरे से तो बहुत ही प्यार करती है, मतलब बहुत अच्छे से कि माई बहुत अच्छी हैं, माई नहीं बोलती मामी बोलती है। और लड्डू को वीडियो में देखती है ना तो लड्डू को बहुत मिस करती है, इतनी खुश हो गई थी ना लड्डू को देख के बहुत ज़्यादा। और मैं आई थी तो मैंने चलो सबसे राखी भी बंधवा के आ जाते हैं, और मुझे कुछ काम था ससुराल में वो भी करके आ जाते हैं, तो बस अब सारे काम हो जाएंगे एक साथ। और
लड्डू टीका हो गया लड्डू का। हाँ पढ़ाई कर लो लड्डू। अभी लड्डू को पता नहीं अचानक से क्या हो गया, इतना रो रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहा है। मतलब घर पे तो ये ऐसा होता था ना, खेलता रहता था, मैं काम करती रहती थी, और अभी मम्मी के यहाँ आई हूँ ना, जब से ये छोड़ ही नहीं रहा मुझे। बस मैं इसको आसपास दिखनी चाहिए, अगर मैं नहीं दिखी ना तो ये रोने लगता है। तो मुझे लग रहा है अभी ग्वालियर जाके मेरी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, पता नहीं क्या ही होगा, मैं कैसे क्या कर पाऊँगी। कहाँ गई लड्डू, अपने घर आ गई? गाँव सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ बच्चा। लड्डू की दीदी ने लड्डू के राखी बांध दी है, और लड्डू की बुआ ने भी बांध दी लड्डू के राखी, मतलब लड्डू के नहीं, मेरे और लड्डू के पापा के। लड्डू, ए लड्डू पढ़ाई करेगा लड्डू, पढ़ाई। हाँ पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करो, सो जाओ, सो जाओ। अरे बच्चा सो जाओ, सो जाओ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। मायके में काम नहीं किया था इसलिए नहीं आ रही थी, और यहाँ पे आते ही कोई ये समझेगा नाटक कर रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा। लड्डू आओ आओ, चलो देखो, चलो मम्मा के पास आ जाओ, चलो मैं ऊपर जा रही हूँ छत पे। A few moments later, मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ा देख के आती हूँ, घूम के आती हूँ, बहुत टाइम बाद आई हूँ। तो साड़ी नीचे आदत नहीं है ना, इसलिए चलते हैं नीचे। लाइट तो है लेकिन गर्मी लग रही है, गर्मी तो सब जगह ही है। खैर उमस बहुत ज़्यादा, लड्डू बाहर चला गया, मेरा तो दिल नहीं लग रहा बिल्कुल। दीदी के लड़के की तबीयत ख़राब है, चलो चलते हैं। राखी भी बंद गई मेरे, देखो अब लक्ष्य रोएगा कि मेरी दो राखी हैं, लड्डू की तीन राखी हो गई। कोई नहीं, नींद आ रही है मुझे तो। होने 7 बज चुके हैं, बस अभी जाने का समय हो गया है, चलो चलते हैं। लड्डू भी बाहर ही है। तो उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी और मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पे। उधर से हमारी ननद भी आई हुई हैं हमारे साथ में, और यहाँ पे मैं लड्डू को सुला रही थी, सो गया बेचारा, थक गया था ना इसलिए आज दिन में सो नहीं पाया था। और अभी रात का समय हो रहा है 11:30 समथिंग, और हम लोग ऐसे पागलों की तरह बैठे हुए हैं क्योंकि आज का दिन इतना ख़राब है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आज सुबह से इतनी ज़्यादा सैड न्यूज़ मिल रही है कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर आप इनको देख सकते हो, सब लोग सो गए थे घर में, यानी कि हम सब लोग बातें कर रहे थे और सब लोग सो गए थे, ये और पापा वगैरह। और हमारे घर में आ गया है सांप, आप लोग देख सकते हो, ये नाग नहीं है, नागिन है, मैं नहीं जानती हूँ, मैंने तो देखा भी नहीं है। दीदी के बेटे ने वीडियो बनाई है तो ये नागिन आ गई है, मम्मी बता रही थी ये नागिन है, और ये कोई पानी वाली नहीं है, ये बहुत जहरीली थी, बहुत ही ज़्यादा, आप लोग देख सकते हो। एक्चुअली भैया मोहित की तबीयत ख़राब है ना, तो भैया गए हुए थे हॉस्पिटल मुरैना, उसको दूध वगैरह देने के लिए, बकरी का दूध फ़ायदेमंद होता है ना ऐसा बोलते हैं डेंगू में। तो बस भैया लौट के आए हुए थे, लाइट थी नहीं, तो शायद पता नहीं भैया के पीछे पीछे आ गई थी क्या है। तो बस भाभी खाना बनाने के लिए गई थी भैया के लिए, तो भाभी को, भाभी किचन में थी, ये चौक में दिखी भाभी को, भाभी एकदम से चिल्लाई और हम सब लोग एकदम ऐसे उठे, और मतलब मैं क्या ही बताऊँ।
पता नहीं आज का दिन ही ऐसा है कि आज का दिन इतना बुरा निकला हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे अनिल बोल रहे थे ना जब हमारे घर में सांप निकला था कि सांप दीवार पे नहीं चढ़ते हैं, तो आप लोग देख सकते हो दीवारों पे घूम रही थी। कम से कम 3 घंटे हो गए थे ये फ़ोन लगा रहे थे पकड़ने वालों को, लेकिन रात का समय था कोई नहीं आ रहा था। एक बंदा आया था वापस चला गया, और हम सब लोग इसको मारना नहीं चाहते हैं इसलिए तो अभी सब लोग इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो खटिया पे से उठी भी नहीं थी कि भैया पता नहीं क्या ही होने वाला है। 3-4 घंटे ऐसे सब लोग खड़े रहे, उसके बाद बड़ी मुश्किलों से ये निकली। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत हालत ख़राब है। पता नहीं आज का दिन कैसा है, कोई कोई दिन होता है ना। ऊपर से मोहित की भी तबीयत ख़राब है, उसकी प्लेट्स थोड़ा ज़्यादा डाउन हो गई हैं, तो बस वो भी एडमिट है और पता नहीं क्या ही होगा। और इतने साल हो गए हम इस घर में रहते हुए, हमारे सामने आज तक सांप नहीं निकला है। यहाँ तक कि मम्मी का घर तो गेट है ना सारे दिन ओपन रहता है फिर भी, लेकिन हमें लग रहा है कि भैया का शायद कहीं पैर वैर पड़ गया तो भैया के पीछे ही आ गई है ये। अगर हम भाभी को नहीं दिखती तो कहीं भी छुप सकती थी, फिर बाद में काट सकती थी। पता नहीं क्या ही होता है। एक तो यहाँ पे सामान भी इतना फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो इस वजह से, और दिख भी नहीं रही थी देखो कैसे चढ़ रही है वो दीवारों पे खिड़कियों पे, इतनी पतली थी। लेकिन आज का मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।